हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा होम किचन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सीमा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूं। यूनिक इस मायने में कि ये मेरी अपनी रेसिपी है और मैं अपने पार्टी में बनाती हूं। मेरे बच्चों को, पार्टी में आए हुए सारे लोगों को ये बहुत पसंद है। मैं कीमे से चाउमीन बनाती हूं जिसके हर बाइट पे आपको फ्लेवर मिलेगा। तो चले फिर हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तब बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं ये कैसे तैयार करती हूँ। तो फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें, आज आपको हम कीमे से चाउमीन बनाना सिखाते हैं। कीमे की चाउमीन मेरे अंदाज में और मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले कॉस्टो है, ये एक पैकेट मुझे चाहिए होगा। मैंने कीमा लेके इसे बॉयल कर लिया है और बॉयल करते वक्त मैंने इसमें नमक और कैन पेपर, यानी या अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने एक टेबल स्पून डाल के इसे बॉयल कर लिया। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ठीक है। इसे भी मैंने इसी तरह जुलियन कट काटा है। ये ग्रीन ओनियन है मेरे, जिसे मैंने इसे काट लिया है। ग्रीन ओनियन के ऊपर का पार्ट जो वाइट होता है वो बहुत टेस्टी होता है, स्पेशल नूडल्स वगैरह में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो वो हमेशा मैं इसे अलग से काटती हूँ और इस तरह से बीच से दो कर लेती हूँ। ये हैलोपिनो पेपर है, इसको भी मैंने लंबा लंबा जुलियन टाइप से काटा हुआ है। ये अदरक है, तीन पीस लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। एक टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है। तो सब, और ये ऑलिव ऑयल है। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो ओबस्ट्रा सॉस भी बेस्ट होता है। ये सोया सॉस है और ये डिजोन मस्टर्ड है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक में ये डाल के मैंने बॉईल किया था, तो इसीलिए इसमें मैं मज़ीद सॉल्ट यानी नमक यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सोया सॉस वगैरह सब में जो है सॉल्ट मौजूद होता है। तो सबसे पहले जो है मैं सॉस बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ये मैं मस्टर्ड लूंगी, डिजॉन मस्टर्ड है ये। अगर आप लोगों के पास डिजॉन मस्टर्ड नहीं है तो आप नॉर्मल फ्रेंच मस्टर्ड को भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने 2 टेबलस्पून डिजॉन मस्टर्ड ले रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल सोया सॉस है ये मेरे पास, ये भी मैं 2 टेबलस्पून लूंगी। ये देखिए मस्टर्ड सॉस है मेरे पास, और ये मैं भी, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ये ले लीजिए। तो ये भी मैं 2 टेबलस्पून लूंगी। ये हो गया ऑलिव ऑयल है, एक, दो, तीन। थोड़ा सा इसमें मैं कॉशर सॉल्ट डालूंगी। चिली फ्लेक्स है जो मैंने 1 टेबलस्पून निकाला था, वो पूरा का पूरा मैं इसमें डालूंगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब जो है इसमें मैं ये मैंने जो गार्लिक काटा है वो डालूंगी, थोड़ा सा उसको फ्राई करूंगी। अच्छा, कीमा जो है मैंने एक पैकेट मैंने नूडल्स को उठाया था, चाउमीन नूडल्स के एक पैकेट जो 350 ग्राम लिखा रहता है ग्राम की, उसको मैंने लेके बॉईल किया है ये नूडल्स। और कीमा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डालिएगा आप तो कीमा स्पेगेटी बन जाएगा। चाउमीन, मैं जो चाउमीन बनाती हूँ उसमें इस कीमा मैं इतना ही डालती हूँ कि वो उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा मत डालिएगा। अच्छा, मैंने ये कीमा कर दिया है, इसको मैं एक तरफ रख रही हूँ। अब इसी में जो है मैं शिमला मिर्च
ये डालूंगी, खावा पीना पेपर है इसे ऐड करूंगी, इसको थोड़ा सा मैं करूंगी सौते कर लूँ हल्का सा, क्योंकि मैं इसे क्रंची रखती हूँ। हमारे यहाँ जो इसकी जो वेजिटेबल होते हैं वो क्रंची रखे जाते हैं टर्फ सॉस से, राइट। ये मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ टी स्पून जो है इसमें ऐड करूँगी, जस्ट हाफ टी स्पून बस। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और चीनी को भी अब मिला लीजिए आप। अब इसमें हम ये स्पेगेटी डालेंगे सारी, अब मैंने आपको बताया था कोल्सलो के बारे में, मैंने उसे ऐड कर दिया है। अब जो है बेस्ट पार्ट ये है कि अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी, फिर मैं थोड़ा सॉस डालूंगी, पहले हम इसे मिक्स कर लें। वैसे मैं तो अगर आपको पूछें तो मैं तो उसको बहुत आराम से हाथ से मिलाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाता है। तो जनाब देखिए, ये मैंने चाउमीन का जो है सारी चीज़ें सब्जी और ये सब मैंने डाल के इसको रेडी कर लिया है, सिर्फ मैंने हरी प्याज छोड़ा है, क्योंकि हाफ हरी प्याज जो है मैं अभी डालूंगी और हाफ जो है मैं ऑन द टॉप रखूंगी। अब इसको भी हम मिक्स कर लें अच्छी तरह से, इसके बाद मैंने जो सॉस तैयार किया है वो सॉस डालेंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं हमेशा इन सबको मिक्स करने के लिए अपने हैंड को यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग होती है। कीमा बना बन का कबाब बनाइए, कुछ भी कीजिए, अगर आप हथेली हाथ साफ है और आपने उससे मिक्स किया है तो बहुत ज़बरदस्त मिक्स होता है वो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा 350 जो है ग्राम मेरी चाउमीन स्पेगेटी थी, जिसे मैंने बॉईल किया है, नॉर्मल बॉईल किया, इसमें कुछ नहीं डाला गया है, बॉईल करके मैंने एक तरह निकाल लिया था। और कीमे को मैंने जो है 1 पाउंड कीमा लिया था, वेल तो मैंने इसको 1 पाउंड कीमे को बॉईल किया, मैंने आपको बताया था, मैंने कैन पेपर और सॉल्ट डाल के इसको बॉईल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा किक अच्छा लगता है, जब आप खाएं तो हल्का सा एक किक आना चाहिए, तो वो किक लेने के लिए मैं उसे यूज़ करती हूँ उसे पेपर को। और इसके बाद फिर मैंने बाकी स्टेप आपको दिखाया। अब जो मैंने सॉस तैयार किया है वो सॉस इसमें मिलाऊंगी। चलिए मैं आपको, तो जनाब आप देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और ये मेरा चाउमीन जो है वो रेडी हो गया है। मैंने आपको बताया था जो वाइट ग्रीन पेपर का जो वाइट हिस्सा होता है वो देखिए मैंने इसको एंड में डाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा और खुलकर आता है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि सोया सॉस जो है लिटिल डार्क कैमल कलर का सोया सॉस यूज़ कीजिएगा, क्योंकि चाउमीन में हमेशा जो सोया सॉस होता है या तो डार्क सोया सॉस ये लिया जाता है या कैमल कलर का सोया सॉस यूज़ होता है, तो उससे एक बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आता है। ठीक है, तो जनाब भी बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा। टट टॉप जो है हम थोड़ा सा डिजल करेंगे ऑलिव ऑयल का, इससे टेस्ट बहुत खुल कर आता है बस। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। जी जनाब, देखा आपने, ये बहुत मजे की और यम्मी रेसिपी है। आप यकीन करें, चाउमीन वगैरह हम लोग जब बनाते हैं तो चिकन चाउमीन होता है, श्रिम्प चाउमीन होता है और बीफ चाउमीन होता है, बहुत अच्छा होता है, टेस्ट होता है, पर कहीं पे मीट आता है कहीं पे नहीं आता है। पर ये जो कीमे की जो मैं चाउमीन बनाती हूँ तो इसके हर बाइट पे आपको टेस्ट मिलेगा। आप बनाइए फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी।
और अगर आपको कोई चीज इसमें मुझसे पूछनी है कि इसको कैसे यूज करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेल आप मुझसे पूछ सकती हैं, या मेरे मेल पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं हर पल आपके लिए हाजिर हूँ। जो भी आपका सवाल है मैं उसको जवाब दूंगी आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर पूछिए मुझसे। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बनाऊं, आपके साथ मिलकर बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है, कोई नई चीज कोई नए अंदाज में। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।